वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर टू, किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रपाल। क्वेश्चन नंबर तीन, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मनियाता खेत अपनी राजधानी बदली? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मनिया खेत अपनी राजधानी बदली? मनिया खेत, ओके। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम। क्वेश्चन नंबर फोर, सवाल इंपॉर्टेंट है, बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर फाइव, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा मानसिंह। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और ओधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर सेवन, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? वर्ल्ड फेमस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। क्वेश्चन नंबर एट, भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। क्वेश्चन नंबर नाइन, शिवाजी कब और कहां पैदा हुए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1927 में। सिवनेर एक जगह है वहीं। क्वेश्चन नंबर टेन, नानाजी साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन फॉर यू, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कर दिए हैं तो धन्यवाद। और भी वीडियो देखना है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।